आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले हम इस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। देखो, ये सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज हुई 3rd millennium of BCE। BCE का मतलब मैंने आपको बताया था बिफोर कॉमन ईरा, और मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स। तो 3rd BCE का मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी 2001 BCE से लेके 31 दिसंबर 3000 BCE। तो ये मतलब हुआ 3rd millennium BCE का। सेकेंड हाफ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो BCE में हम उल्टे चल रहे होते हैं, तो सेकेंड हाफ का मतलब ये हुआ 1 जनवरी 2001 BCE से लेके 31 दिसंबर 2500 यानी कि 2500। अगर देखो हमसे कोई पूछे कि अभी कौन से मिलेनियम में हम चल रहे हैं, अभी भी 3rd millennium है, 2018 3rd millennium में हम एंटर कर चुके हैं, लेकिन हम 3rd millennium CE में हैं, कॉमन ईरा में है, ना कि बिफोर कॉमन ईरा में। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज हुई थी तो उस समय बिफोर कॉमन ईरा था। अब देखो आर्ट की बात करें तो काफ़ी डाइवर्स आर्ट मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां, सील्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, स्केयर की फॉर्म में होते थे और ज़्यादातर जो सील्स बनी होती थी स्टीटाइट की बनी होती थी ज़्यादातर, वैसे कॉपर की भी बनी होती थी कुछ, हमें अभी डिस्कस करेंगे सील्स के बारे में। पोटरी, गोल्ड ज्वेलरी, टेराकोटा यानी जो पकी हुई मिट्टी से बने खिलौने या फिर बर्तन, इस प्रकार के काफ़ी डाइवर्स फॉर्म देखने को मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि प्री हिस्टोरिकल ईरा में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती, सील नहीं देखने को मिलती थी, मूर्तियाँ भी नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। दो मेजर साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी आपको पता है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो, दोनों पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है और मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है, लेकिन इस सिविलाइजेशन से जुड़ी जो अन्य साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल लोथल और धोलवीरा, ये गुजरात में हैं, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, और कालीबंगन और बालाथल ये राजस्थान में हैं। आप एक बार मैप में भी देख लीजिए, यहाँ पर देखो ये हड़प्पन जो साइट है ये पाकिस्तान में है नॉर्थ में, और जो मोहनजोदाड़ो साइट है ये पाकिस्तान के साउथ में है। धोलावीरा हमने डिस्कस किया गुजरात में है, इसके अलावा राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगन ये राजस्थान में है। तो ये इन साइट्स पर आप एक बार नज़र जरूर डाल लीजिएगा। कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि कौन सी साइट कौन से स्टेट में है, या फिर क्या इनके बारे में पूछा जा सकता है, क्या हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो की साइट्स हैं क्या ये इंडिया में है, नहीं इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। देखो वैसे हड़प्पन ईरा में सिविक प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी, हाउसेस को सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था, जो गलियां थी वो राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती थी, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, पब्लिक बाथ, तो मतलब सिविंग प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी हड़प्पन टाइम्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन स्टैचूज की। देखो हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में पत्थर से बनी दो प्रतिमाएं जिन पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हुई है। पहली प्रतिमा रेड सैंडस्टोन से बना टोर्सो, देखो टोर्सो का मतलब होता है हिंदी में धड़, यानी लिम्स नहीं है, सर नहीं है, तो इस चीज़ को कहते हैं टोर्सो, रेड सैंडस्टोन से बना टोर्सो, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है पत्थर से बनी इस प्रतिमा पर। और दूसरी प्रतिमा स्टीटाइट से बना ये दाढ़ी वाला आदमी, ऐसा विश्वास है कि ये जो दाढ़ी वाले आदमी हैं ये प्रीस्ट थे, मतलब पुरोहित थे उस समय। इनकी शोल देख सकते हो आप, जो राइट हैंड है इनका राइट हैंड के नीचे से जाती है शोल, लेकिन जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर से जाती है, और शोल पे ये पैटर्न देखा जा सकता है। ये जो देखो इस शोल पे इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है इसको ट्री फॉइल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ट्री फॉइल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखिए इनकी आँखों पे आप नज़र डालोगे तो थोड़ी सी आप कह सकते हो विड्थ ज़्यादा है आँखों की, इलोंगेटेड आइज हैं, और आँखें जो हैं आधी खुली हैं आधी बंद हैं, तो लगता है जैसे कि मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन में है। देखो ये सारी बातें NCERT में लिखी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रोंज कास्टिंग के बारे में। ब्रोंज कास्टिंग का मतलब है ब्रोंज की सहायता से चीज़ों को ढालना, चीज़ों को बनाना। किस प्रकार से, देखो ब्रोंज की सहायता से विभिन्न चीज़ें बनाई जाती थी हड़प्पन टाइम्स में। सबसे पहले देखो क्या किया जाता था, वैक्स यानी मोम की सहायता से किसी भी आकृति को बनाया जाता था, जैसे ये डांसिंग गर्ल की आकृति है, मोम यानी कि वैक्स की सहायता से
इस डांसिंग गर्ल की आकृति को बनाया। उसके बाद देखो, वैक्स से डांसिंग गर्ल की आकृति बनाने के बाद, स्ट्रक्चर बनाने के बाद, उस पूरे स्ट्रक्चर पर क्ले यानी कि मिट्टी का लेप लगाया। यानी कि हमने जो स्ट्रक्चर वैक्स से बनाई थी, अब उस पूरे वैक्स के स्ट्रक्चर को हमने मिट्टी से कवर कर दिया। अब देखो, मिट्टी से कवर करने के बाद इस स्ट्रक्चर को आप गर्म कीजिए, क्या होगा, वैक्स के ऊपर जो मिट्टी है वो तो पकना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर के नीचे एक छोटा सा होल कीजिए। तो होल करने के बाद देखो, जब आप पूरी स्ट्रक्चर को गर्म करोगे तो वैक्स गर्म होके इस आकृति से नीचे निकल जाएगा और ऊपर रह जाएगी सिर्फ मिट्टी, यानी पूरा स्ट्रक्चर खोखला हो जाएगा। खोखला इसलिए हो जाएगा क्योंकि वैक्स तो गर्म होने पे पिघल गया, वो तो इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर आ गया, नीचे हमने एक होल किया था। अब देखो, इसी होल में हम मोल्टन ब्रोंज डाल देते हैं, यानी ब्रोंज डाल देते हैं लिक्विड स्टेट में उसी स्ट्रक्चर में। अब देखो, जैसे ही वो ब्रोंज ठंडा होगा इस स्ट्रक्चर में जाने के बाद, वो इस प्रकार की आकृति ले लेगा जैसी आकृति वैक्स की थी, और बाद में आप ऊपर लगी मिट्टी को हटा सकते हो। तो इसे कहते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले देखो, आप वैक्स यानी मोम की सहायता से कोई भी आकृति बना सकते हैं। उसके बाद आप उस आकृति को मिट्टी से कवर कर दीजिए, क्ले से कवर कर दीजिए। मिट्टी से कवर करने के बाद आप नीचे एक छोटा सा होल कीजिए और इस पूरे स्ट्रक्चर को गर्म कीजिए, क्या होगा, मिट्टी तो पक जाएगी लेकिन गर्म होने पे जो वैक्स है वो पिघल के बाहर आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर खोखला हो जाएगा, मिट्टी का बन जाएगा। लेकिन अब इसी स्ट्रक्चर में आप मोल्टन ब्रोंज डालोगे, जो ठंडा होने पे वही स्ट्रक्चर ले लेगा जो पहले वैक्स का था, बाद में आप ऊपर लगी मिट्टी को हटा सकते हो। तो अंतिम जो स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगा वो ब्रोंज का इस प्रकार से प्राप्त होगा, अगर आपने वैक्स का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये है लोस्ट वैक्स टेक्निक। लोस्ट वैक्स टेक्निक की सहायता से देखो, जो स्ट्रक्चर तैयार किए गए थे उनमें से दो ये काफी ज्यादा फेमस हुए, एक तो डांसिंग गर्ल का और एक ये बफेलो का जिसका हेड ऊपर उठा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखो, जो ये ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स पर फेमस हुई। कुछ जगह पे लोस्ट वैक्स टेक्निक में ब्रोंज की जगह कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस सिचुएशन में इसे कॉपर कास्टिंग कह दिया जाता है। मतलब कॉपर की सहायता से चीजों को ढालना, कॉपर की सहायता से चीजों को आकार देना। यहां पर आगे बताया गया है लोथल, जो कि एक सेंटर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहाँ पर कॉपर से बने डॉग और बर्ड पाए गए थे। इसके अलावा कालीबंगन में ब्रोंज फिगर बुल का, ये काफ़ी फेमस हुए। और देखो, ये जो चीज़ें हैं वो उतनी ही अच्छी हैं जिस प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ह्यूमन फिगर्स पाई गई हैं। ऐसा नहीं कि हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में जो ह्यूमन फिगर्स पाई गई थी वो तो बहुत ही सुपीरियर थी, और बाकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो छोटे छोटे सेंटर्स थे जैसे लोथल और कालीबंगन, यहाँ पे ब्रोंज से बनी जो फिगर्स पाई गई थी वो अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं था, लोथल और कालीबंगन में जो ब्रोंज फिगर्स मिली थी उनकी क्वालिटी किसी भी प्रकार से कम नहीं थी। और जो देखो ये मेटल कास्टिंग टेक्निक है, ये एक परंपरा के तौर पे आगे आगे चलती रही। लेट हड़प्पा और कैल्कोलिथिक साइट्स जैसे कि महाराष्ट्र में दैमाबाद, यहाँ पर भी मेटल कास्ट से बनी जो प्रतिमाएं हैं उनके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। अब बात करते हैं टेराकोटा यानी पक्की हुई मिट्टी से बने स्ट्रक्चर्स की। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान पक्की हुई मिट्टी से भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए। आप एक बार स्क्रीन पर नज़र डालिए, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये टेराकोटा से बनाए गए हैं, यानी पक्की हुई मिट्टी से बनाए गए हैं। देखो, टेराकोटा से जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे इन स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी ब्रोंज स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी की तुलना में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ब्रोंज की सहायता से जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। हम बात करते हैं किस किस तरह की आकृतियां बनाई गई थी पकी हुई मिट्टी की सहायता से। टॉय कार्ट्स विद व्हील्स, विसल्स यानी सिटी, रैटल्स झुंझुना, बर्ड्स एनिमल्स, तो ये सब स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की सहायता से। इसके अलावा टेराकोटा मास्क ऑफ ए होन डीटी, एक देवता जिसके सिंह हैं उनका मास्क भी बनाया गया था पकी हुई मिट्टी की सहायता से। और कई सारे फिगर्स जैसे दाढ़ी वाला एक मेल पर्सन जिसके जो बाल हैं वो करली हैं, पोस्चर बिल्कुल सीधा है, लेग्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं, मतलब गैप है लेग्स के बीच में, तो ये विश्वास किया जाता है ये जो फिगर था वो एक देवता का फिगर था। क्वेश्चन देखो, यूपीएससी इस प्रकार से पूछ सकती है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में
टेराकोटा से बने यानी पकी हुई मिट्टी से बने देवताओं के स्ट्रक्चर बनाए गए थे या फिर नहीं बनाए गए थे, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स, लेग्स के बीच डिस्टेंस ज़्यादा था या कम था, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ऑलमोस्ट नील है। वैसे देखो टेराकोटा से बना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है मदर गोडेस का। यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है पकी हुई मिट्टी से बना स्ट्रक्चर मदर गोडेस का, ये इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है। वैसे गुजरात की साइट्स जैसे कि लोथल या फिर राजस्थान में कालीबंगन, इन जगहों पे पकी हुई मिट्टी से बने जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं वो थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक मिले हैं, मतलब उनकी क्वालिटी फिर भी थोड़ी ठीक ठाक दिखती है। अदरवाइज बाकी जगहों पर जो पकी हुई मिट्टी से बने स्ट्रक्चर्स मिले हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी क्रूड है। अब बात करते हैं सील्स की। आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन ईरा की हजारों सील्स को डिस्कवर किया है। पहले आप नजर मार लीजिए सील्स पर, हम बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं सील्स के बारे में। वैसे तो देखो सील्स काफ़ी तरह के एलिमेंट से बनी होती थी जैसे कॉपर, गोल्ड, इवन हाथी दांत भी, अगट एक प्रकार का स्टोन होता था, चर्ट जो कि सिलिका से बना एक रॉक होता था, कॉपर, फयांस इसमें सिरामिक होता था, टेराकोटा, तो इनमें से किसी भी एलिमेंट की सील बनी हो सकती थी, मतलब इन एलिमेंट्स की सील्स भी पाई गई हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सील्स होती थी वो स्टीटाइट की होती थी। स्टीटाइट एक प्रकार का सैंडस्टोन होता है, सॉफ्ट सैंडस्टोन जो कि रिवर में मिलता है, तो स्टीटाइट की जो सील्स थी वो सबसे ज़्यादा पाई गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के इरा की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सील्स किस काम के लिए बनाई जाती थी। देखो सील्स काफ़ी सारे कामों के लिए बनाई जाती थी, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी बिजनेस के लिए सील्स का इस्तेमाल किया जाता था, इवन एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी सील का इस्तेमाल किया जाता था, और डेकोरेशन के लिए ताबीज की तरह सील का इस्तेमाल किया जाता था, घर में सजावट के लिए सील्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारे पर्पज़ हैं। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सील का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, गहने की तरह, ताबीज की तरह। इसके बाद बात आती है शेप की, किस शेप की होती थी सील्स। तो देखो ठीक वैसे ही, वैसे तो सील्स काफ़ी तरह की शेप्स की पाई गई हैं जैसे रेक्टेंगुलर शेप की, सर्कुलर फॉर्म की, ट्रायंगल की फॉर्म में, लेकिन ज़्यादातर जो सील्स पाई गई हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में पाई गई हैं जिनका साइज था 2:2। यहाँ पे देखो 2:2 साइज की ज़्यादातर जो सील्स हैं वो पाई गई हैं। और देखो ये सील्स आइडेंटिटी कार्ड का भी काम करती थी। मान लीजिए किसी पर्सन के पास किसी तरह की सील है तो वो सील उस पर्सन के लिए एक प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड का काम करती थी। इन सील्स पे देखो कुछ ना कुछ अंकित होता था। आप ये तस्वीर फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए ये अंकित है, ये है पिक्टोग्राफिक एक्सप्रेशन। तो काफ़ी तरह की पिक्टोग्राफिक एक्सप्रेशन होती थी सील्स के ऊपर, काफ़ी एनिमल्स की जैसे यूनिकॉर्न बुल यानी एक सिंग वाला बुल, राइनो, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बफेलो, तो इन सब एनिमल्स की पिक्टोग्राफिक एक्सप्रेशन देखने को मिल सकती है सील्स के ऊपर। इसके अलावा एक जो सील काफ़ी फेमस हुई वो है पशुपति महाराज की, इनको लिंक किया जाता है आज के समय शिवजी भगवान से। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ग्रेट वैरायटी ऑफ मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब है थीम्स, सब्जेक्ट मैटर, विशेष लक्षण, एनिमल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ बुल विद और विदाउट हम्प। हम्प देखो क्या होता है, एनिमल का उभरा हुआ भाग, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए ये जो पार्ट होता है एनिमल का थोड़ा जो ऊपर उठा हुआ होता है इसे हम्प कहते हैं। तो एनिमल की जो पिक्चर्स हैं वो हम्प के साथ भी हैं और हम्प के बिना भी हैं। लेकिन जो मोस्ट रिमार्केबल सील है वो है ह्यूमन फिगर बीच में सेंटर में और आसपास एनिमल्स की। एक बार स्क्रीन पे फिर से नज़र डालिए, यहाँ पर बीच में ह्यूमन फिगर और आसपास एनिमल्स। इस सील पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है। कुछ लोग ये मानते हैं कि बीच में जो ह्यूमन फिगर है ये पशुपति महाराज की है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीच में जो ये फिगर है वो किसी फीमेल देवता की है जिसे ह्यूमन फिगर के तौर पे डेपिक किया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस सील के बारे में। जैसे देखो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में टाइगर है, एलिफेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड में राइनो है, बफेलो है, नीचे आप सींग वाले हिरन्स देख सकते हो। तो ये हमने डिस्कशन की सील्स के बारे में। अब हम पोट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटरी का सिंपल मीनिंग है मिट्टी के बर्तन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ईरा में बने बहुत से मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, और देखो उस समय चलन ज़्यादा पहिए से बर्तनों को बनाने का था, यानी व्हील की सहायता से बर्तनों को बनाया जाता था। हैंडमेड
बर्तनों का जो चलन था वो बहुत कम था, यानी हाथ की सहायता से बर्तनों को बनाने का चलन कम था, और प्लेन पॉटरी ज़्यादा कॉमन थी। बर्तनों को बना दिया लेकिन उस पर ज़्यादा पेंट नहीं किया गया, सिंपल ही रखा गया। और प्लेन जो पॉटरी होती थी उसे रेड क्ले यानी लाल मिट्टी की सहायता से बनाया जाता था। उस पर या तो फाइन रेड और ग्रे कलर की एक स्ट्रिप यानी स्लिप देखने को मिलती थी, और कई बार नहीं भी देखने को मिलती थी। और बर्तनों में कई बार नोब भी होता था। नोब मतलब आपने देखा होगा कि बर्तनों में इस प्रकार की जो घुंडी होती है पकड़ने के लिए, या फिर कई बार डेकोरेशन के लिए भी इस तरह की नोब बर्तनों पे लगाई जाती है। तो इस प्रकार के बर्तनों का भी चलन था। अगर यूपीएससी पूछती है कि नोब वाले बर्तन यानी घुंडी वाले बर्तन मिलते थे या नहीं मिलते थे, डेफिनेटली सर्टेनली मिलते थे। यहाँ पर हम बात करें ब्लैक पेंटेड वेयर की, यानी वो बर्तन जिनको काले रंग से पेंट किया जाता था उन पर एक लाल रंग की स्ट्रिप भी लगाई जाती थी, स्लिप भी लगाई जाती थी, और उस स्लिप में ज्योमेट्रिक पैटर्न देखने को मिलता था, एनिमल के डिजाइंस देखने को मिलते थे। पॉलीक्रोम पॉटरी यानी वो पॉटरी, वो मिट्टी के बर्तन जिनको पेंट किया गया है कई सारे कलर से, ऐसी पॉटरी बहुत ही कम देखने को मिलती थी। यानी पॉटरी बना दी, मिट्टी के बर्तन बना दिया, और उसके बाद उस बर्तन को कई सारे कलर से रंग किया गया, नहीं। जैसा मैंने आपको बताया प्लेन पॉटरी ज़्यादा चलन में थी, और पॉलीक्रोम पॉटरी यानी कई सारे रंग वाली जो पॉटरी थी बहुत रेयर थी। अगर होती थी, मान लो दो तीन छोटे छोटे बर्तन बना भी दिए, कई सारे रंग से उनको पेंट कर भी दिया गया, तो रेड ब्लैक ग्रीन और रेयरली वाइट और येलो, ये सब कलर्स देखने को मिलते थे, और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी देखने को मिलता था। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में परफोरेटेड पॉटरी भी देखने को मिलती थी। परफोरेटेड का मतलब है यहाँ पर छेद वाली पॉटरी। एक बार आप स्क्रीन पे पिक्चर देखिए, इस प्रकार की जो पॉटरी थी, यहाँ पे छेद, बीच में एक बड़ा छेद। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि कोई भी चीज़ इसमें स्टोर करके रखेंगे कैसे स्टोर होगी, इतने सारे तो होल्स हैं, इतने सारे तो छेद हैं। देखो, इस प्रकार की जो पॉटरी थी उसका इस्तेमाल किया जाता था मेनली लिक्वर यानी शराब को छानने के लिए, समझ गए। तो यूपीएससी पूछ सकती है क्या परफोरेटेड पॉटरी थी या नहीं थी, थी, और इसका इस्तेमाल किया जाता था लिकर यानी शराब को छानने के लिए। हाउसहोल्ड्स के लिए जो पॉटरी उसमें बनाई जाती थी बहुत ही ज़्यादा शेप्स में, काफ़ी डाइवर्स तरह की पॉटरी मतलब मिलती हैं, और वो उन सबको यूज़ किया जाता है डेली प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, परफोरेटेड पॉटरी अलग, नोब वाली पॉटरी अलग, छोटे बर्तन, बड़े बर्तन, तो काफ़ी डाइवर्स तरह की पॉटरी देखने को मिलती है, और घर में उनका यूज़ भी किया जाता था प्रैक्टिकल यूजेस के लिए। लास्ट में मिनिएचर वेसल के बारे में बोला जाता है, छोटे छोटे बर्तन जिनका जो हाइट है वो हाफ इंच से भी कम, और ऐसे बर्तनों को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया था, मतलब देखने में वाकई लगता था कि कोई चीज़ है। इसके बाद देखो पेंटेड अर्थन जार, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है। आप एक बार स्क्रीन पर पिक्चर देख लीजिए, ये है पेंटेड अर्थन जार, या फिर ये भी साइड में जो पिक्चर है, ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। पोटर्स के द्वारा यानी कुम्हार के द्वारा बनाया जाता था इसे व्हील की सहायता से, पहिए की सहायता से, और शेप मैनिपुलेट की जाती थी फिंगर्स के प्रेशर से, यानी जैसे शेप देनी होती थी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था, ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था फिंगर्स यानी उंगलियों की सहायता से। और देखो मिट्टी को पकाने के बाद पेंट किया जाता था ब्लैक कलर से, बाद में पॉलिशिंग भी की जाती थी ताकि फिनिशिंग टच दिया जा सके। और जो सब्जेक्ट मैटर यानी थीम देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे देखो मोटिव क्या है, ऊपर क्या छपा हुआ है, ये जो थीम देखने को मिलती थी ये वेजिटल यानी प्लांट से संबंधित और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न बना दिए, जैसे स्केयर, रेक्टेंगल, या फिर इस प्रकार का कोई डिज़ाइन बना दिया, मतलब ज्योमेट्रिक फॉर्म्स या फिर प्लांट से संबंधित किसी प्रकार की थीम देखने को मिलती थी इन पेंटेड अर्थन जार के ऊपर। डिज़ाइन काफ़ी सिंपल रखे जाते थे। तो ये हमने पॉटरी डिस्कस की, अब हम डिस्कस करेंगे बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में। हड़प्पन समय में देखो मैन और वुमेन को अपने आप को सजाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो कई तरह के ऑर्नामेंट्स यानी आभूषणों की सहायता से मैन और वुमेन अपने आप को सजाते थे। और ये आभूषण, ये गहने बहुत सारे पदार्थों से बने होते थे, जैसे प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड इत्यादि जैम स्टोन्स, जो प्रीशियस पत्थर होते थे उस समय, उन प्रीशियस पत्थरों के बने गहने भी पहने जाते थे। इसके अलावा हड्डियों के बने गहने और पकी हुई मिट्टी के बने गहने भी पहने जाते थे उस समय। किस प्रकार के गहने होते थे, नेकलेस यानी हार, फिलेट्स चोटीबंद, आमलेट्स बाजू पे जो इस प्रकार का गहना लगाते हैं, इसके अलावा फिंगर रिंग्स उंगलियों में पहने जाली वाली अंगूठी, तो
तो देखो ये सब जो आभूषण हैं वो तो वुमन और मैन दोनों के द्वारा पहने जाते थे, लेकिन कुछ अलग से चीज़ें वुमन जैसे कमरबंद, ईयरिंग्स जो कानों में बाली पहनी जाती हैं, एंकलेट्स यानी पायल, ये चीज़ें स्पेशली वुमन के द्वारा पहनी जाती थी। मोहनजोदड़ो से और लोथल से बहुत ही बड़ी मात्रा में ज्वेलरी मिली है, इंक्लूडिंग गोल्ड से बने नेकलेस और सेमी प्रीशियस स्टोन से बने नेकलेस, कॉपर से बने ब्रेसलेट्स और मनके यानी बीड्स, गोल्ड से बनी ईयरिंग्स, हेड ऑर्नामेंट्स सिर पे जो आभूषण लगाए जाते हैं वो, बटन्स और बीड्स यानी मनके स्टीटाइट से बने और जम स्टोन्स भी। तो ये सारे आभूषण मिले हैं मोहनजोदड़ो में और लोथल में। ऑर्नामेंट्स को यानी आभूषणों को बहुत ही बेहतर ढंग से क्राफ्ट किया जाता था यानी बनाया जाता था। तो आभूषण हैं तो अच्छे से तो बनाएंगे ही, क्योंकि सजावट के लिए बनाए जा रहे हैं। हरियाणा के फरमाना में एक कब्रिस्तान भी मिला है, वहाँ पर डेड बॉडीज को दबाया जाता था ऑर्नामेंट्स के साथ यानी कि आभूषणों के साथ। विश्वास किया जाता था कि लाइफ आफ्टर डेथ यानी मरने के बाद भी एक यात्रा करनी होगी उस पर्सन को जिसकी डेथ हुई है, तो इसलिए कई बार मिट्टी के बर्तन या फिर ऑर्नामेंट से उस पर्सन को सजा दिया जाता था। विश्वास था कि डेथ के बाद वो पर्सन किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है, इसलिए उसको डेकोरेट करके भेजा जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो बीड्स यानी मनकों की जो इंडस्ट्री थी वो काफी वेल डेवलप्ड थी, ये साबित होता है जो फैक्ट्रीज मिली हैं बीड्स की चंदू राव और लोथल से। बीड्स को देखो बनाया जाता था कई सारे प्रीशियस स्टोन से जैसे कॉर्नीलियन, एमिथाइस्ट, जस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, टर्कोइज, लैपिस लाजुली, ये सब प्रीशियस स्टोन्स हैं अलग अलग कलर के। मैं आपको स्क्रीन पे ना इन स्टोन्स की पिक्चर दिखा देता हूँ किस कलर का कौन सा स्टोन होता था। ये देखो रेडिश कलर का ये स्टोन होता था कार्लियन, एमिथाइस्ट, जस्पर, उसके बाद टर्कोइज और लैपिस लाजुली। तो अलग अलग कलर के जो स्टोन्स होते थे उनसे बीड्स यानी मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा मेटल्स जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, शेल, फायंस, सिरामिक से बनता था फायंस, इसके अलावा टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी, तो इन सब मेटल्स से भी बीड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था। और ये बीड्स देखो कई सारी शेप्स में होते थे जैसे डिस्क की शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में, बैरल शेप में और सेगमेंटेड शेप में भी। बहुत सारे स्पिंडल्स भी मिले हैं, हड़प्पन समय में बहुत सारे स्पिंडल्स भी होते थे। इसका मतलब यह है कि उस समय कॉटन और वूल की जो स्पिनिंग यानी कताई बहुत ज़्यादा कॉमन थी। स्पिनिंग में क्या होता है, फाइबर को सूत में कन्वर्ट किया जाता है, यान में कन्वर्ट किया जाता है, इसको कहते हैं स्पिनिंग। तो कॉटन और वूल की स्पिनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन थी उस समय, ये हमें पता लगता है क्योंकि बहुत सारे स्पिंडल्स मिले हैं हड़प्पन समय के। इसके अलावा देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन ईरा के दौरान मैन और वुमन दो अलग अलग तरह के अटायर यानी पोशाक पहनते थे, सिमिलर टू धोती एंड शोल। हमने डिस्कस किया इस दाढ़ी वाले बाबा के बारे में, इन्होंने देखो ऊपर शोल पहन के रखा है, नीचे धोती पहन के रखी है। शोल जो है वो राइट हैंड के नीचे से जा रही है और लेफ्ट हैंड के ऊपर से जा रही है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ईरा के लोग थे फैशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग थे, अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स करते थे जो आज भी आप कह सकते हो कि फैशन में हैं। सिनेबार एक प्रकार का मिनरल है, इसे इस्तेमाल किया जाता था कॉस्मेटिक्स की तरह यानी मेकअप के लिए सिनेबार मिनरल का इस्तेमाल किया जाता था। आप स्क्रीन पे पिक्चर देख लीजिए, ये है सिनेबार मिनरल। इसके अलावा उस समय फेस पेंट, लिपस्टिक, आईलाइनर, ये सब चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि हड़प्पन समय में लोग फैशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग थे। अब देखो लास्ट में थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बताया गया है, जैसे डांसिंग गर्ल, पेंटेड अर्थन जार या फिर मदर गोडेस, ये सब हमने वैसे डिस्कस कर लिए हैं। डांसिंग गर्ल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ईरा की काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिलती हैं कॉपर से बनी डांसिंग गर्ल्स की, 4 इंच की ये प्रतिमाएं हैं यानी मूर्तियां हैं और जो बाल हैं वो खुले नहीं छोड़ के रखे, जूड़ा बना के रखा है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। अर्थन जार के बारे में हमने अलग से डिस्कस किया था। मदर गोडेस की फिगर भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इस फिगर में जो फीमेल हैं यानी मदर गोडेस हैं उन्होंने नेकलेस, हार पहन के रखा है, गहनों से सुसज्जित हैं, इवन ब्रेस्ट पे भी गहने हैं, पूरे शरीर पे एक कपड़ा है, गर्डल यानी कमरबंद भी लगा के रखा है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है मदर गोडेस के बारे में। ये फिगर्स काफ़ी क्रूड फॉर्म में हैं। तो देखो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।